क्योंकि माता रानी का दिन आ गया है, तो आज की हमारी रेसिपी है व्रत स्पेशल आलू टमाटर की खट्टी वाली सब्जी और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनीता किचन। कैसे हो आप लोग? तो आज की रेसिपी है व्रत स्पेशल। हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटा की पूड़ी और आलू की सब्जी। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 पाव आलू है जिसे हम उबाल कर इस तरीके से काट लिए हैं, सब्जी के लिए लिए हैं इसे हम। और 1.5 पाव हम टमाटर यूज कर रहे हैं, देसी टमाटर है जिसे हम इस तरीके से काट लिए हैं। ये सब्जी चटपटी और खट्टी तरी वाली बनेगी। पूड़ी बनाने के लिए हम 1 किलो सिंघाड़ा का आटा लिए हैं और 1/2 किलो आलू उबाल कर ले लिए हैं। और ये है व्रत वाला नमक, सेंधा नमक, जिसे हम सब्जी और पूड़ी दोनों में यूज करेंगे। तो हम कढ़ाई बैठा लिए हैं व्रत वाली आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए। कढ़ाई में डालेंगे घी, देसी घी। व्रत का सारा सामान घी से ही बनाएं। घी के मेल्ट हो जाने के बाद हम डालेंगे जीरा। व्रत की ये वाली सब्जी बनाना जितना आसान है, टेस्ट में उतना ही उम्दा आता है। हमने 7 से 8 हरी मिर्च ले ली है काट के। इस तरीके से हम तड़का करेंगे। हरी मिर्च को हल्का सा लाल करने के बाद जो 1.5 पाव हम टमाटर काट के रखे थे उसे डालेंगे। टमाटर के गलने के लिए हम 1 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। व्रत में तो सेंधा नमक ही खाया जाता है ना। सेंधा नमक डालने के बाद हम सब्जी को चला लेंगे और ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद फिर खोलेंगे, फिर से भूंजेंगे। सब्जी में ढेर सारा पानी आ गया है। हम एक बार ढक के एक बार खोल चुके हैं, टमाटर को चला चुके हैं। अब यहाँ पर हमें टमाटर को अच्छे से गलाना है, फिर भूंजना है, फिर आलू छोड़ेंगे। तो ये टमाटर के गलाने का प्रोसेस चल रहा है। लगभग हमारा टमाटर पक चुका है और गल भी चुका है। हम ढक देते हैं। दूसरी साइड जो हम आलू छील कर काट कर रखे थे उसमें से 3 पाव आलू में से 2 आलू निकाल के इसे मैश करके टमाटर में हमें डालना है ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी ठीक हो जाए। तो 2 आलू को हम अच्छे से मैश करेंगे और डालेंगे टमाटर में। मैश किए आलू को टमाटर के साथ डाल के 1 मिनट तक हमें अच्छे से भूंज लेना है। मैश किए आलू को टमाटर के साथ करछुल से इस तरीके से दबा दबा के हम भूंजेंगे और इसके बाद डाल देंगे जो हम आलू काट के रखे हुए थे वो वाला आलू। क्योंकि हमारी टमाटर वाली ग्रेवी खूब अच्छे से भून चुकी है और आलू भी उबल चुका है, फिर भी इसे हम 2 से 3 मिनट तक टमाटर के साथ आलू को भूनेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे। आलू डाल के चलाने के बाद हम सब्जी को ढक दिए थे, यहाँ पर सब्जी को खोल रहे हैं। कलछुल से अच्छे से मिलाएंगे। आलू हमारी टमाटर के साथ भून चुकी है। इस स्टेज में हम आलू में डालेंगे पानी, तरी वाली आलू टमाटर की खट्टी सब्जी बनाने के लिए। क्योंकि सिंघाड़े के आटा की पूड़ी बना रहे हैं तो थोड़ी सी तरी होनी चाहिए आलू की सब्जी में। तो हम अपने हिसाब से कि हमें कितना तरी चाहिए उसी हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद 5 मिनट बलकाने के बाद हमारी सब्जी पूरी डन हो गई है। इस स्टेज में हम डालेंगे बारीक काट कर हरी धनिया। हरी धनिया डालने के बाद हमारी सब्जी डन हो जाती है। आलू टमाटर धनिया की सब्जी हो गई है डन। गैस को करेंगे बंद। अब चलते हैं पूड़ी की तरफ। सिंघाड़े के आटे का डो बनाने के लिए हमने 1/2 किलो आलू को उबाल कर छील कर इस तरीके से ले लिया है। इसे सबसे पहले करेंगे हम कद्दूकस। और सिंघाड़ा का आटा हमने 3 पाव लिया है, तो थोड़ा सा कम है, लगभग सेम मेजरमेंट है दोनों का। 1/2 किलो आलू है तो 1/2 किलो से ज़्यादा हम सिंघाड़े का आटा ले रहे हैं। आलू को कद्दूकस करने के बाद इस तरीके से मैश जरूर करें ताकि उसमें जो धागे या रेसे बने हैं वो सब मैश हो जाए।
अगर आप आधा किलो आलू उबालते हैं और आधा किलो ही सिंघाड़े का आटा मिलाएंगे, मतलब बराबर का दोनों का रेशियो है, तो भी इसकी पूड़ी बहुत टेस्टी बनती है, तब तो और ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो वो आपकी मर्जी है, किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा आप अपने से हिसाब से कर सकते हैं। तो डो भूनने से पहले हम सिंघाड़े के आटा में डालेंगे व्रत वाले नमक यानी सेंधा नमक, और इसको हम आलू के साथ अच्छे से मैश मैश करेंगे, एक सार कर देंगे सब चीज़ों को। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आप लोगों को एक बार फिर से बता दें कि आलू हमारा उबला हुआ आधा किलो था और 3 पाव सिंघाड़े का आटा था, और दोनों को हम अच्छे से यहाँ पर मिला रहे हैं। अच्छे से एक सार करने के बाद ही हम यहाँ पर पानी से डो बनाएंगे। पानी यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा डो बनाने के बाद उसे हटा देंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा टाइट डो बनाना है और अच्छे से मरदना है, खूब मतलब मरद कर ही हम बनाएंगे, तभी हमारी पूड़ी फूली फूली निकलेगी। आटा हमारा ढेर था तो इसका डो बनाने का काम हम 2 पार्ट में किए हैं, लेकिन जब हम इसको मर्देंगे तो सारे आटे को एक साथ मर्देंगे, सबको अब एक साथ खूब अच्छे से मरद लेना है, एकदम चिकना। अब बारी है लोई काटने की, तो हम डो में से एक पार्ट उठा लेंगे और लंबा लंबा उसे रोल कर लेंगे, उसके बाद कट कर करके सबसे पहले लोइयां काट लेंगे। हमने कढ़ाई में घी डाल लिया है पूड़ियों को तलने के लिए। जब तक हमारी घी गर्म हो रही है तब तक हम लोइयां बेल लेंगे। तो हमने उठा लिए हैं एक पेड़े, सिंघाड़े के आटे का पैठन लगा लिया है और एकदम हल्के हाथ से इसको बेलना है, नहीं तो आपकी पूड़ी टूट जाएगी। एकदम हल्के हाथ से बेलना है हमें। बेलन को ध्यान दें कि एकदम हल्का चलाएं, नहीं तो ये सिंघाड़े के आटे की पूड़ी है, टूट सकती है। इसी तरीके से देखिए, हम दूसरा लोई ले लिए हैं, थोड़ा सा सिंघाड़े के आटे का पैठन लगाएंगे, एकदम हल्के हाथ से पूड़ी बनाने की कोशिश करेंगे, हमारी दूसरी पूड़ी भी डन हो जाती है। इसको हम आप लोगों को काट के दिखाते हैं। पूड़ी डालने से पहले मेक श्योर कि आपका घी गर्म हो। घी वैसे बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसे छूने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही फूल जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा कढ़ाई को ऐसे ऐसे करते जाएंगे और देखिए, ये अपने आप फूलती जा रही है। मेन होती है आटे की मर्दाई, अगर आप उसे अच्छे से मर्द कर तैयार किए हैं ना, तो आपकी पूड़ी बहुत अच्छी बनेगी। जब तक एक साइड पक नहीं जाता, हम छूते नहीं हैं इसे, एक साइड लाल होने के बाद हम इसे धीरे से पलट लेंगे। बस हमारी पूरी लाल हो गई है, ज़्यादा देर रखेंगे तो जल जाएगा, तो एक एक करके हम दोनों पूरी निकाल लेते हैं। पूरी को डालते समय भी ध्यान ये देना है कि अगर आप पकड़ते हैं ना उसी में पूरी, अगर आप ढंग से नहीं पकड़ोगे तो टूट जाएगी, इसलिए एकदम हल्के हाथ से पकड़ के सीधा तावे में छोड़ देना है। और इस तरीके से थोड़ा सा कढ़ाई को हिलाएंगे ना, तो ये अपने आप फूलने लगता है। करछुल से भी आप फुला सकते हैं इसके ऊपर तेल डाल के। बस दोनों साइड अलट पलट के हमें पूरियों को लाल करना है, और हमारी ये पूरी भी डन हो गई है। तो अब बारी है प्लेटिंग की, तो हम आपको प्लेटिंग करके दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, व्रत वाली आलू और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी की रेसिपी हमारी होती है डन। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।